बेगम साहबा आज आप बहुत खुश हैं। हाँ रशीद, हमने अपने बेटे के लिए दुल्हन का इंतखाब कर लिया है। आमिर कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा, सलाम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। आमिर। आदाब। जीते रहो। क्या कर रहे थे? जी कुछ नहीं, किताब पढ़ रहा था। हम तुम्हें एक चीज दिखाने आए हैं। ये एक लड़की की तस्वीर है और गालिबन आप इस लड़की को मेरी शरीके हयात बनाना चाहती हैं। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मैं तस्वीर देखे बगैर कहूंगा अम्मी कि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। आमिर तुम ये तस्वीर देख तो लो। तस्वीर देखने की जरूरत नहीं अम्मी, उसकी वजह यह है कि फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। आमिर अब इस मामले को सीरियसली सोचो। हमें कल तक तुम्हारा जवाब चाहिए, ये मेरा फैसला है। देखिए अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि जितनी जिद्दी आप हैं उतना ही जिद्दी मैं भी हूं, क्योंकि मैं आप ही का बेटा हूं। मेरा जवाब पहले भी ना था और सोचने के बाद भी ना ही होगा। बुरा ना मानिए। क्या सोच रहे हो आमिर? कुछ नहीं। शय को बचाओ कमरू, गिरफ्तार होने वाला है। आप किसी बच्चे के सामने नहीं, कमरू जैसे शातर के सामने बैठे हैं। वजीर की जिंदगी की दुआ मांगिए, सदका उतारिए अपने वजीर का। वाह खूब चाल चली है आमिर। बात तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है आमिर। हम आज तक किसी से हारे नहीं है कमरू, और जिस दिन हम हार गए वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। गया आपका शाह, अब बैठ के सोचते रहिए। बहुत लकी हो आमिर, आज फिर जीत गए। हमने जिंदगी में सिर्फ जीतना ही सीखा है कमरू, हारना नहीं। यही दावा एक तवायफ का भी है। कौन है वो तवायफ? शमा। कहां रोशन? बाजारे हुस्न के एक कोठे पर। बुझाना चाहते हो शमा को? नहीं, उसके पास से दामन जलाए बगैर वापस लौटाओ तो हम तुम्हें मान जाएंगे कि जी तुम्हारा मुकद्दर है। हमें मंजूर है, हम उस शमा के इतने करीब से होकर गुजरेंगे कि वो हमारे दामन से लिपटने के लिए लपकेगी और खुद ही भड़क कर बुझ जाएगी। शमा रोशन की जाए। जाने मन जाने जा, मैं क्षमा हूँ क्षमा, जाने मन जाने जा, मेरे दामन से लिपटे तो जल जाओगे। मैं क्षमा हूँ क्षमा, जाने मन जाने जा, मैं क्षमा हूँ क्षमा, जाने मन जाने जा। हुस्न की आग हूँ मैं, इश्क का जाने मन जाने जा।
बेवफा मेहरबान तुम शमा हो शमा बेवफा मेहरबान आईना जो दिखाया तो शर्माओगे तुम शमा हो शमा बेवफा मेहरबान तुम शमा हो शमा बेवफा मेहरबान मेरे मरने से तुझको मिली जिंदगी मेरे मरने से तुझको मिली जिंदगी जाने परवाना है ये तेरी रोशनी जानता हूँ एक ख्वाब है फिर भी चलने को परवाना बेताब है फिर भी चलने को परवाना बेताब है हम ना होंगे अगर बोलो जाने जिगर हो हम ना होंगे अगर बोलो जाने जिगर आग दामन में लेके किधर जाओगे तुम शमा हो शमा बेवफा मेहरबान तुम शमा हो शमा बेवफा मेहरबान बहुत बेबाक है तू हाय बहुत चालाक है तू वफा झूठी है तेरी ओ मैं शोला हूँ वफा का मैं बनता हूँ खुदा का दहकती आग हूँ मैं मचलता राग हूँ मैं ओए मचलता राग हूँ मैं तुझको राख कर दूँ मैं किस्सा पाक कर दूँ जला दूंगी मैं तुझको बुझा दूंगा मैं तुझको है बुझा दूंगा मैं तुझको बुझी तो कुछ ना होगा धुआं महफिल में होगा है धुआं महफिल में होगा कौन हूँ जान लो हार तुम मान लो अरे करना माना तो बेमौत मर जाओगे तुम शमा हो शमा बेवफा मेहरबान तुम शमा हो शमा बेवफा मेहरबान पहले कभी इधर नहीं देखा आज भी नहीं देखते अगर यार लोगों ने आपकी शोहरत को हमारे लिए एक चैलेंज ना बना दिया होता हमारी शोहरत यही सुनी थी कि यहाँ जो कोई भी आता है अपना तन मन धन सब कुछ हार कर यहीं का हो जाता है आज तक नहीं कल तक आज तो हम हार गए साहिब आप यकीन करें हमें अपनी इस हार का मुद्दत से इंतजार था हमारी दरीना ख्वाहिश थी कि इस जहां में कोई तो हमें जीते कोई तो ऐसा हो जिसे हम सिर्फ जलने वाला परवाना नहीं वो रोशनी कह सके जिसका सहारा लेकर शमा शमा बनती है बैठिए ना बस अब चलते हैं फिर कब तशरीफ लाएंगे कभी नहीं कभी नहीं
ये क्या कह रहे हैं साहेब? यहां वापस आना हमारी हार है शमा, और हम आज तक हारे नहीं। साहेब इतना सुन लीजिए, आप नहीं आए तो हम भी पांव में घुंघरू नहीं बांधेंगे, ये महफिल भी नहीं सजेगी, शमा अंधेरों में डूब जाएगी। आखिर क्यों? आप हमारे ख्वाबों की ताबीर हैं साहेब, हमने आज तक ख्वाबों और ख्यालों में जिससे मोहब्बत की वो आप ही हैं। वाह, ऐसी मोहब्बत ना कभी देखी थी ना सुनी थी ना पढ़ी थी। देखी आंखों में लीजिए, सुन उस वक्त लीजिएगा जब इस कोठे की वीरानी का चर्चा होगा, और पढ़ उस वक्त लीजिएगा जब लोग क्षमा के इंतजार की कहानियां लिखेंगे। जाग रही हैं? सोई नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें एक फैसले से आगाह करना है। क्यों, अपनी बहू बनाने के लिए कोई और लड़की पसंद कर ली है आपने? नहीं, इस घर की तरफ बढ़ती हुई बर्बादी को देख लिया है। क्या कह रही हैं आप? पहाड़ वाली जमीन और जंगलात के कागजात हैं, इन्हें हमने बेचने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्यों? इसलिए कि जब तक तुम्हारे डैडी जिंदा थे वही उनकी देखभाल करते थे, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं, तेजी आदमी हो, सुबह जाते हो और आधी रात को लौटते हो। रह गए हम तो हम क्या क्या करें, शहर के बिजनेस पर नजर रखें, घर की देखभाल करें या तुम्हारा इंतजार? मम्मी दरअसल मैं, हम तुम्हें सिर्फ इतना कहने आए थे आमिर, तुम्हारे डैडी ने पहाड़ वाली जमीन और जंगलात बड़े शौक से खरीदे थे, कल अगर वो जमीन और जंगलात बिके तो सिर्फ इसलिए कि तुमने उन्हें नजरअंदाज किया है, वरना हम तो चाहते थे कि तुम वहां जाते रहते और एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह उन जंगलात की मजीद देखभाल करते, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी को ही नहीं माँ बाप की ख्वाहिशात को भी खेल समझ लिया है। हम ही में थी न कोई बात याद न तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम न तुम्हें भुला सके साहेब। रशीद जी, छोटे साहब को बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। छोटे साहब तो नाश्ता कर चुके हैं जी। हमारे बगैर? इसलिए कि मुझे जल्द जाना था। लेकिन तुम जा कहां रहे हो? इस घर से दूर। आपकी कड़वी कसैली बातें सुनकर मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि घर छोड़कर चला जाऊंगा। अगर हमें मालूम होता कि तुम हमारी बातों से नाराज होकर घर छोड़ दोगे तो हम तुम्हें कुछ ना कहते, अपने होठ सी लेते। ये घर छोड़कर ना जाओ आमिर, हम तन्हा रह जाएंगे, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं बेटे। अब आप मुझे यहां नहीं रोक सकती और ना ही मैं यहां रुकूंगा, क्योंकि मैं अपनी अम्मी की ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूं अपनी पहाड़ वाली जमीन पर, समझिए आप। आमिर, अब इजाजत है आपकी, जाऊं या ना जाऊं? आमिर बेटे, चलो यार थोड़ी देर सुस्ता लेते, बहुत थक गए।
यार ये जगह तो बहुत ही हसीन है, इसीलिए ये तुम्हारे वालिद साहब को भी बहुत पसंद था, वरना वो यहाँ जंगल बर्बाद करने का कारोबार कभी ना करते। लेकिन तुमने तो कभी बताया नहीं कि ये जगह इतनी खूबसूरत है। तुम्हें कभी शतरंज से फुर्सत नहीं मिली? ये तो अभी ट्रेलर है, असल फिल्म तो आगे चल के शुरू होगी। क्या मतलब? बहुत खूबसूरत इलाका है आगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो चलो। देखा, इसको तो गाड़ी चलाने की तमीज भी नहीं है। होगा कोई गधा जिसे हमारे घोड़े की रफ्तार का पता ही नहीं है। चलो इस गधे को अभी मजा चखाते हैं, चलो। दुनिया में 20 मिनट लेट हो जाना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि दूसरी दुनिया में 20 बरस पहले चला जाए। और अभी तो माशाल्लाह आपकी उम्र भी। इडियट। खूबसूरत लोग खूबसूरत बातें करते ही अच्छे लगते हैं। शट अप। अरे सुनिए तो, चलो भाई वो चली गई। मुझे नहीं पता था कि इन पहाड़ों में ऐसी चीजें भी उगती हैं, वरना पैदा होते यहीं चला आता। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। चलो भाई हवस के पुजारी, चलो। अगर वो जिद कर रही थी तो क्या हुआ? तुम जानते हो उसका इस हालत में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है, बगैर मुझसे पूछे उठाकर चाबी दे दी। बाबा वो बीमार है, मैं उसे इलाज की तरफ से यहाँ लाया हूँ। क्या बीमारी है मुझे? आ गई आप, देखिए आइंदा आप मेरी इजाजत के बगैर गाड़ी नहीं चलाएंगे। एक शर्त पर, अगर आप मुझे साफ साफ बताएंगे कि मुझे क्या बीमारी है। बाबा है बीमारी, अगर मैंने आपको बता भी दिया फिर भी आप कुछ नहीं समझेगी, लिहाजा आप खामोश रहिए और मुझे अपना इलाज करने दीजिए। ठीक है, लेकिन इतना तो बता दें कि बीमारी खतरनाक तो नहीं है ना? मामूली है जुबी, लेकिन अगर तुमने अपनी यही हरकतें जारी रखी तो ये बीमारी खतरनाक। आमिर, आमिर, रही हो क्या? देख रहे हो? एक बार देखा है दूसरी बार देखने की। बस करो, ये जुमला सुनते सुनते मेरे कान पक गए। ये जुमला तो इतनी बार हातम ताई ने भी नहीं कहा होगा। लेकिन मैं अपने दिल की तमन्नाओं का क्या करूं, तो चीज ही ऐसी है जिसे एक बार देखने के बाद बेख्तियार जबान पर आ जाता है। एक बार देखा है दूसरी बार देखने की तमन्ना, एक बार देखा। अब अगर तुमने ये जुड़ा दोबारा कहा तो मैं किसी पागल हाथी की तरह तुरंत से टक्कर मार के मर जाऊं। एक बार देखा। क्या हाल है? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। तुम चाहते क्या? तो खास बात नहीं, गाड़ी की रेस तो आप मुझसे जीत नहीं सकती, क्यों ना अपने टट्टू को मेरे घोड़े के साथ दौड़ा लें, शायद जीत जाए। एक बात बताऊं? दो बताइए। थाना यहाँ से बहुत नजदीक है। जी हाँ।
मेरी जरा सी जुबान ही लगी और तुम्हारी खाल उधड़ जाएगी। आपका यही गुस्सा तो मेरी कमजोरी है। अगर मेरी खाल उधड़ने से आपके माथे का ये बल, आंखों से ये गुस्सा, दिल से नफरत निकल सकती है तो मैं तैयार। Shut up. Thank you. डॉक्टर हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह नहीं है, डॉक्टर अमानुल्लाह। कोई बात नहीं, है तो डॉक्टर ही ना। मिल गया, ये देखो। मिल गया 5133 1 1 4 1 1 3। हेलो हेलो। अच्छा हेलो, किससे बात करेंगे जी? मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता लेकिन उसका हुलिया बता सकता हूँ। किस नंबर पर फोन किया है? आप जहां से बोल रही है। रॉन्ग नंबर। हेलो, बंद कर दिया यार। दोबारा खुलवा ले जी। हेलो हेलो, चिड़ियाघर जी? नहीं, ये स्वात थाना है। एक बात तो बताइए, आप स्वात थाने में रहती हैं या थाना आपके घर में रहता है? ओहो, खर्चा हमारा हो रहा है, वो बार बार क्यों बंद कर रही है? उसका दिमाग खर्च हो रहा है। हेलो हेलो, देखिए आपने फिर से फोन बंद कर दिया। देखिए बड़ी जरूरी बात करनी है उनसे, जरा प्लीज बुला दीजिए ना। कुछ मुंह से भी तो फूटिए, किससे बात करेंगे? जिसके माथे पर बल, आंखों में गुस्से की चमक, होठों पर सख्ती और जिसमें हर वक्त तनाव होता है। ओ, तो ये तुम हो? जी हाँ। तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। थैंक यू, तो प्लीज जल्दी कीजिए। हेलो हेलो, फिर बंद कर। क्या टेलीफोन यार, और क्या? एक बात, इस कमबख्त को जैसे जैसे गुस्सा आता है मुझे उस पर उतना ही प्यार आता है। ये लड़की मुझे कोई अबनॉर्मल पागल सी लगती है और इसका बाप भी जरूर पागलों का डॉक्टर है। बकवास मत करो यार। वैसे तुम देखना, इस लड़की को मैं एक ना एक दिन जीत कर ही रहूंगा। अंकल, आखिर आप बताते क्यों नहीं कि मुझे बीमारी क्या है? तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तो फिर ये रोज रोज के चेकअप किस लिए? बता देंगे बता देंगे। फिलहाल तुम ऐसा करो, मॉर्निंग वॉक जारी रखो, यही तुम्हारा इलाज है। ओफो, मैं तंग आ गई हूँ उस मॉर्निंग वॉक से। मॉर्निंग वॉक। अस्सलाम वालेकुम। इसे कहते हैं दिल और दिमाग का मिलना। देखिए ना, उस दिन मैं कार पर था, आप भी कार पर थे। कल मैं घोड़े पर था, आप भी घोड़े पर थे। आज मैं साइकिल पर हूँ और आप पैदल हैं। आइए इस पर बैठ जाइए, जरा सैर वैर हो जाएगी। शट अप। अरे अरे सुनिए, जाने से पहले सोच लो इतना, एक दिन वापस आओगे। ओ ओ ओ, जाने से पहले सोच लो इतना, एक दिन वापस आओगे। दिन वापस आओगे, जाने से पहले सोच लो इतना, एक दिन वापस आओगे। कभी नहीं मानी मैंने आज तक इस जीवन में, हार कभी नहीं मानी मैंने आज तक इस जीवन में। जाने कैसे आन बसे हो तुम इस दिल की धड़कन में। और भी ज्यादा प्यार करूंगा
तड़पाओगे, जाने से पहले सोच लो इतना, एक दिन वापस आओगे। बराबर की जब हो तो फिर है मजा लड़ाई का, चोट बराबर की जब हो तो फिर है मजा लड़ाई का, एक दिन साथी बन के रहूंगा, जाने मन तन्हाई का। वापस आओगे पाता ले लो आज ये मुझसे, अपना जुदा कभी तुम होंगे, वादा ले लो आज ये मुझसे, अपना जुदा कभी तुम होंगे, प्यार के जज्बे साथी मेरे, अपना दिलों से कम होंगे। एक दिन वापस आओगे, हे प्यार की बाजी मैं जीतूंगा, प्यार की बाजी मैं जीतूंगा, तुम मेरे हो जाओगे, जाने से पहले सोच लो इतना, एक दिन वापस आओगे। अरे अरे क्या हुआ? पानी पानी क्या हुआ? पानी माफ कीजिएगा, पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिलेगा? पानी पानी बहुत है, आओ अंदर आकर बैठकर पानी पियो, चाय पियो, कॉफी पियो, कम ऑन। थैंक यू, प्यास मुझे नहीं, मेरी एक दोस्त को लगी है। मैन मेरी से क्या मतलब है जी? मेरी गर्लफ्रेंड है, लड़की है, प्यास उसको लगी है। पानी नहीं है। बात तो सुनिए, सुनिए मेरी बात। लड़की भी गायब और साइकिल भी गायब, ये तो अच्छा चक्कर दे गई। अंकल आपने मुझे बुलाया? हाँ जोबी, तुम्हारे डैडी का खत आया है, वो आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? डेट तो उन्होंने नहीं लिखी, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें आज कहीं जाना तो नहीं? क्यों? नूरी को देख रही हो किस कदर एहतमाम में लगी हुई है। कोई आ रहा है क्या? हाँ खान फैमिली का एक, नूरी देखो कहीं वो आ तो नहीं गए। ये अच्छा।
आ गए। डॉक्टर साहब हैं? जी आइए। मिस्टर आमिर, थैंक यू। जो भी ये मिस्टर आमिर है खान फैमिली के, ये वो फैमिली है जिसने हमारे हॉस्पिटल की तकमील में फराग दिली से चंदा दिया। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी जूबी है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। अंकल, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तुमको? सर में दर्द है। ओह, यू स्टे हियर, मैं दवाई लेकर आता। तुम यहाँ भी आ गए? बहुत जल्द मैं आपके दिल तक भी आ जाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। मिस जूबी, आज क्या तारीख है? हाँ, 24 मार्च, याद आ गया। आज से ठीक 7 दिन बाद आपके दिल में मेरी मोहब्बत की शमा भी रोशन हो जाएगी। थोड़ा सा मुझे इल्मे नुजूम भी आता है। जिस दिन वो दिन आ गया, मैं अपना दिल ही नोच फेंकूंगी। हो गई शर्त? तसल्ली हो ही जाए, गर इतना बतला दो। तुझे भी आती हैं हिचकियां जब हम याद करते हैं। राजा, राजा तो जेल में है शमा भाई, उसका गुलाम हाजिर है। तुम राजा से भी ज्यादा बदतमीज हो। वो दरवाजे को ठोक कर मार कर आता है और तुम खंजर की लपक के साथ आया हो। मालिक ने इसी तरह इधर आने का हुक्म दिया था। राजा इससे भी ज्यादा जोर से चीखा था जब उसने जेल में सुना कि तुम किसी छोकरे पर आशिक हो गई हो। कह दूं जाकर कि उसने गलत सुना है? नहीं, उसने ठीक सुना है। इस इकरार का अंजाम जानती हो? इश्क का एक ही अंजाम होता है, मौत। और मैं मौत से नहीं डरती। तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं। राजा तुम्हारी नहीं, उसकी मौत बनेगा जिसने उसके प्यार पर डाका डाला। प्यार का खजाना दिल में होता है रमजू। उसे ना तो कोई जबरदस्ती अपने नाम लगा सकता है और ना ही कोई लूट सकता है। अपने राजा को कहना, अगर उसने मेरे प्यार के रास्ते में दीवार बनने की कोशिश की तो मैं उससे टकरा जाऊंगी। तुम टकराओगी राजा से? हाँ रमजू, तवाय पहले तो प्यार करती ही नहीं, और जब करती है अकेला राजा तो क्या, सारी दुनिया भी रास्ते की दीवार बन जाए तो एक ही ठोकर से गिरा देती है। जिस दरवाजे को तुम ठोकर मार के खोला करते थे राजा, वो दरवाजा तुम पर हमेशा के लिए बंद हो चुका है। शमा भाई ने उस मामूली छोकरे की खातिर तुमसे टकराने का फैसला कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम बादशाह। ओहो, सलाम दा जवाब दे दो। क्या बात है? जात जात ते बड़ी उच्ची है बादशाह, पर पेशे दा मालिया। पता लग गया सी तानू माली दी लोड़े। हाँ हाँ, तुमने पहले कहीं काम किया है? ना ना, साड़ा आशिक का जनाबे वाला। तुम अजीब आदमी हो, सवाल कुछ करती हो जवाब कुछ देते हो। तुम बैरे तो नहीं हो? बैरे आओ, सन पैंट दी जंग बड़े पैरे सन। असा भी रजाकार बन के मास्ते चले गए। असी मोर्चा भी ओ मल लिया जिथे राणी तोप गड्डी सी। ओ रानी तोप की चली, असी कन्ना तो चले गए। ओफो, मतलब की बात करो, बेपरकी क्यों उड़ाते हो? ओहो बरकी नहीं जनाब, अपा ते छम जोड़ियां दे मास्ते सा। तुम खामोश नहीं रह सकते? ओ जी खुश ते मैं तद आऊंगा जे तुसी मैनू माली रख लो। पहले तुम अपने कानों का इलाज कराओ फिर आना। लो ए केड़ी गल है, कन्ना दा इलाज ते हुणे हो जांदा है। लो लो बादशाह, हुण दसो ठीक हो गए? फसलो आया जी। इसे अंकल के पास ले जाओ।
चलो। मेहरबानी। उफ खुदाया, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। आओ आओ आओ। डॉक्टर साहब, ये आशिक है। सलाम अलैकुम। आशिक? आहो जी, इस दुनिया च आशिक तो कोई नहीं बादशाह। बचपन तो फूल पसंद सर, इसलिए माली का रूप धार के बागा दा रखवाला बन गया जी। देखो आशिक, हम तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर, दो वक्त का खाना, हफ्ते में एक छुट्टी और 500 रुपए माहवार तनख्वाह देंगे, मंजूर? वो नहीं बादशाह। क्या कम है? ओ जी, ये बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा है? आहो जी, क्या कह रहे हो तुम? क्या हो अंकल, क्या बात हो रही? मैं इसे मुलाजमत दे रहा हूँ, 500 रुपए माहवार कहता है कि बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? कानों के साथ तुम्हारी खोपड़ी का कोई पुर्जा तो ढीला नहीं। अरे भले मानस, ये मानस? जो मर्जी आए आखो बादशाह, असी तानु की कहना है। मैंने तुम्हें बन मानस कब कहा? ओ कबाब, ओ कबाब की शय होंदी है बादशाह, असा ते हर किस्म दा सालन भी पका सकना जे। तुसी एक बारी साड़ी ट्राई ते लेके वेखो। अच्छा ठीक है, तुम्हें 500 मंजूर है? आहो मंजूर है। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? जी बच्चे कितने हैं तुम्हारे? खाली ते साड़ी बुढ़ी नहीं ते बच्चे कितों आन गए? हाय ला, इसे रखो बीबी, कहीं ये बीच में से टूट ही ना जाए। असि इन्ने भी नाजुक नहीं जनाब, जेड़े विचों टूट जाइए भावे आजमा के वेख लो। अच्छा आशिक, तुम जो अपना काम करो, आशिक को इसका क्वार्टर दिखा दो। चलो जी। अच्छा मेहरबानी, माफ करना जी। चलो पहले एक पागल थी, अब दो हो गए। वैसे बाय द वे अंकल, आशिक की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। कुछ शक्लें बहुत कॉमन होती हैं जूबी, ऐसा लगता है जैसे उन शक्लों को पहले भी कहीं देखा हो। अरे ये है रे तेरा क्वार्टर। हैं? क्वार्टर? ओ टमाटर, सेहत वास्ते बड़े चंगे होंदे नहीं? अरे बाबा टमाटर नहीं, क्वार्टर। स्वेटर? ओए मैनू पाला नहीं लगदा। हाय ला, ये तो मेरी जरा भी ना समझे। अरे सुन बोले, इधर आ, भूख लगे तो रोटी मांग लेना। हैं? रोटी? अरे ओदे लिए ते आया वा। हाय ला, मैं उसकी इतने करीब हो गई, कोई देख लेता तो मैं कहीं की न रहती। अच्छी तरह जानी हूँ लोगों के जेहन। ओ आहो, मैं तनु पैन ही समझांगा। मुए बहन बोलते है, तेरी जुबान में बड़े कीड़े। कपड़े? फिकर ना कर, वो भी बना देंगा, पहले मैंने इसी तरह सेट से हो लेने दे। मैं लानत भेजी तुम्हारे कपड़ों पर, खबरदार, जो मुझे भाई की नजरों से घूर घूर कर देखा। ये जमाना आ गया साहब, भाई की नजरों से देखो तो लड़कियां नाराज होती। अल्लाह खैर। आशिक आपको ना जी। आशिक? आहो जी, साड़ा ना आशिक हैगा। तुम तो मशीन की तरह काम कर रहे थे। आहो जी, जिस वेले मेरे सिर उत्ते इश्क दा पुत सवार होए ना, उस वेले मैं हर काम एनी तेजी नाल ही करना है। इश्क? आहो जी, आज खुर्शीद बड़ी याद आ रही सी। कौन खुर्शीद? ओ जी ग्रिल फ्रेंड सी अपनी। ताड़ा भी कोई लैफ बॉय फ्रेंड हैगा जी? शट अप, अपने काम पे नजर रखो। अपने काम ते नजर ते मैं रखी हुई है मेम साहब जी, पर क्या? तुसी जिस वेले दे ते खलोते हो, एक बाव कड़ी कड़ी चक्कर मार रही है, किधरे वो ताड़ा लैब बॉयफ्रेंड ते नहीं? बकवास बंद करो, कोई उल्लू का पट्टा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं। ओए होए होए होए, की डोरे। अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत की आग ना लगा दी तो मेरा नाम भी आमिर नहीं। हाँ जी। ये गाना तुम गा रहे थे? ना जी। तो फिर कौन गा रहा था? वो एक टेडी बाउसी जनाब। घर के अंदर था? ना जी, करूं बाहर गेट थे। लेकिन आवाज तो बहुत करीब से आ रही थी। अरे एंजी लगता है जनाब, जिसले मेरे और खुर्शीद दे प्यारे च विछोड़ा पिया ते वो अटकों दूर चली गई। रातां नूं असीं दुआने मिलके माइया गाना,
इंज लगना जिवें असी नेड़े बह के गा रहे हैं, इन्ने नेड़े जिन्हें दिल दे नेड़े धड़कन। तानू भी इंज लग गया होगा। तुम ज्यादा बकवास ना किया करो। ठीक है जी, ये बताओ कि इस वक्त तुम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? ताड़े वास्ते चिट्ठी लेके आया जना। चिट्ठी? आहो जी। किसने दी? ओ जी, देण वाला शक्लों इश्क दा मारिया लगदा सी, कहन लगा है चिट्ठी जूबी बीबी तक पहुंचा दे। और तुम ले आए? आहो जी। तो तुम ये काम भी करते हो? आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। जनाब ठीक है, पर इस चिट्ठी का की करा? आग में फेंक दो। पढ़ लो बादशाह, हो सकता है ताडे फायदे की कोई गल हो। पढ़ लो। जूबी मेरी जान, आमिर हाजिर खिदमत है, कहो कैसी हो? लानत भेज रही हूँ तुम पर। मुझे यकीन है एक ना एक दिन प्यार का पैगाम भी जरूर भेजोगी। जहर भेजूंगी। तुम्हारे बगैर रातों को नींद नहीं आती। तुम जैसे लफंगों को तो जमीन ऐसे ही नहीं सोने देता। तुम्हारी सूरत नहीं सोने देती मुझे। इंशाल्लाह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगी। अब ऐसी भी क्या दिल लगी? छोड़ो गुस्सा, आओ एक हो जाए। शट अप। मुझे यकीन है कम अज कम तुम्हारे दो कदम तो मेरी तरफ बढ़े ही होंगे। हर किस नहीं, मेरे कदम पीछे हटे। तुम्हारे पीछे भी तो मैं ही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया हो गए। निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से। एक तो वो बदमाश मुझे तंग करता है, ऊपर से तुम उसके साथ मिल गए हो। वैसी बेगैरत नहीं जनाब, जिन्ने ताड़े वाल मैले अख वेखिया, मैं उदिया अखा ना कट दितिया तो मैं अपना आशिक ना कहना। क्या? ओ जी मेरा मतलब है मेरा ना बदल लेना। आशिक जी, अगर तुम मुझसे मेरा पीछा छुड़ा दो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। ओ फिकर ना करो बादशाह, जितने भी होया उन्होंने लभ के मैं इना कुटांगा कि वो सारी जिंदगी ताड़े वाल मुंह नहीं करेगा। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहां? ओहो तुसी दिन ते चढ़न दो बादशाह, फिर वेखो तमाशा। लो पकड़ो फूल, लो। इन्नी देर असी रब नू लभ दे दे उन्ने भी लभ जाना सी। लगदा है ताडे आशिक नू ताडे नाल वेख के किथे लुक गया है। क्या बकवास कर रहे हो? की करां जी, साडा नाम ही इहो जिहा है। तुम अपना नाम बदलो, समझे? अच्छा जी, ताडे नाल रह के पता नहीं की बदलना पेगा, नाम भी बदल लेंगे। पहले इस किस्से नू तो मुकाइए। समझ में नहीं आता, वो इधर उधर ही मिल जाता था। लेकिन इधर उधर ही मिल जाता था ते आज किथे लुक गया, किथे चला गया? ओए इसलिए कि तुम जो साथ हो। अच्छा लो तो फिर औजार संभालो, टुर टुर के साडा गलाई खुशक हो गया है, जाके ते मैं दो घुट पानी पियावा। घबराना ना, जे आवे ना तो विण देना, बाद जो होवेगा ताडा आशिक संभाल लेगा। लो संभालो हुणे ही आना। कैसी हैं? ठीक हूँ। आप दरख्तों पे रहते हैं? जी नहीं, दरख्तों पे बैठ के सेब खाना मेरी हॉबी है, सेब खाएंगे। जी नहीं, वैसे आपकी आते उनसे बहुत मिलती हैं। किन से? बंदरों से। अरे वाह, क्या खूब पहचाना है आपने। यूं भी शायद आपको पता होगा कि इंसान पहले बंदर ही हुआ करता था, और हम बंदरों की लेटेस्ट शेप है। देखे ना, यूं भी अपने बुजुर्गों को बुलाना नहीं चाहिए। आप जैसी लड़की और मुझ जैसे लड़के को बोल्डली कहना चाहिए कि हम क्या, यही कि हम, आप बंदरिया हैं, मैं बंदर हूं। आपने बुरा तो नहीं माना? जी नहीं। क्या बात है, आज हमें देखकर आपके माथे पर बल नहीं पड़ा? कहीं आपके दिल में हमारी मोहब्बत की शमा तो नहीं जल उठी? दिल में क्या जल उठा है, ये तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ही बताऊंगी। तब तक बुझ ही ना जाए। आप भी बड़े दिलचस्प आदमी हैं। आइए ना कहीं चल के बैठते हैं। यहाँ क्या बैठना है? अगर बैठना ही है तो चलिए सामने मेरा हट है, वहाँ चल के बैठते हैं। नहीं नहीं, यहीं बैठते हैं। अरे छोड़िए तकल्लुफ, आइए तो सही। हाँ आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। क्यों, यहाँ किसी का इंतजार है क्या आपको? हाँ मेरा मुलाजिम मेरे साथ है, उसे बता कर आती हूँ। अच्छा आइएगा जरूर, मैं आपके लिए कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करता हूँ। वो सामने मेरा हट है। जरूर आइएगा जरूर।
की गल है बादशाह, नाराज क्यों हो रहे हो? तानू दस के गया सो। वो आ गया है। वो आ गया है तो कितने गया है? तुसी बनिया के नहीं? नहीं। और तुसी भी कमाल कर दे हो बादशाह, वो तो गया कितने? वो सामने हट में गया है। वो सामने लट में गया है ते हुण मैं कुछ तमाशा। ओए कौन है तुम? कदी दुश्मन दा ना सुनिया है सोने? दुश्मन? आहो तेरी जान दा दुश्मन। सिद्धा हो जाओ मेरी बीबी दी आशका। मैं किसी बीबी बी को नहीं जानता। तू दूबी बीबी नू नहीं जानता? मैं तेनू हुणे ही दसना। दस ओए, तू उना नू तंग नहीं करना? तू उना नू प्यार भरिया चिट्ठियां नहीं लिखता? ऐ नहीं लिखता कि मैं तोड़े नाल प्यार करना? शकल ते वेखो वड्डे रांझे दी। तो आप जूबी की बात करें? जूबी मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी है भाई साहब। मैनू भाई साहब नहीं, अपनी माता है बेगैरता। मुझे अगर उसके प्यार में मौत भी मिल जाए तो मैं हंसकर उसे अपने सीने से लगा लूंगा भाई साहब। अरे मैं तेनू हसन जोगा छटांगा ही नहीं। दसा दस ते कचा कच। मर गया जूबी। जूबी है। लो बादशाह, ताड़े झूठे आशिक नू ला दिता जी। हुन ताड़ा सच्चे आशिक दे बारे च की ख्याल है? कहीं तुमने उसे जान से तो नहीं मार दिया? वो थोड़ी देर होर बेहोश ना होंदा ते मैं उन्हें जानो मार देना सी। खूनो खून कर देता ही, लत्ता बावां तोड़ दितिया ने। लेकिन मैंने तुम्हें इतना मारने के लिए तो नहीं कहा था? कट मारन वास्ते भी नहीं कहा था। वो जो है अब पुल जाओ बादशाह, कार चलो किथे पुलिस ना आ जावे। चलो ठीक तरह नहीं कर रही। कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। नहीं कोई बात तो जरूर। ओ मैं दसा बादशाह, पहले मेरे कोलो एक मुंडे नु कुट पुआई और जदों मैं ओदा लहू अगाया। बकवास बंद करो, हर वक्त सर पे चिड़े रहते हो, दबाओ दे यहां से। अच्छा जी। अरे रे सुबी, इतना गुस्सा? अंकल इस बेवकूफ ने मुझे परेशान कर डाला है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो उसने कर दिखाया है। क्या कर दिया इसने? एक शरीफ आदमी को पीट डाला। ओए हो ना जी, हुण वो शरीफ हो गया जी। ठहर जाओ, मैं तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। बादशाह लगता है एदे गुरूर दा शीशा टूट ही गया जी। उसे कहा था कि वो आपने जो कुछ किया अच्छा ही किया। कोई शरीफ लड़की किसी बदमाश की बदमाशी कब तक बर्दाश्त कर सकती है? मेरे साथ जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। ज़ूबी, अब मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन यकीन कीजिएगा अब मैं आपको कभी भुला भी नहीं सकूंगा। मजाक मजाक में आप मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। जहां भी रहूंगा आपकी याद को सीने से लगाकर जीऊंगा। अब आपका चेहरा मेरी आंखों से कभी दूर नहीं जा सकता। मैं सूबी, अगर इस वक्त कोई तहजीब से गिरी हुई बात मेरी जबान से निकल गई हो तो एक अपाहिज समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। खुश रहिए। आशिक के बच्चे, ये तुमने क्या किया? तुम्हें किसने कहा था कि इस तरह जुल्म करना? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। की गल है बादशाह, की गल है? तुमने उसे इस बेदर्दी से मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आहो पर किसको मारे सी? उसको। ओ उसको किसको? कुछ मूवी ते फुटो। आमिर को। ओ तोड़े आशिक को। पर आपे तो तुसे आखिया सी के पीछा नहीं छड़दा, उन पीछा छुड़ाया के नहीं?
तुम जंगली हो। मैंने तुमसे इतना तो मारने के लिए नहीं कहा था कि तुम उसकी हड्डियां ही तोड़ के रख दो। उसकी हालत देखी नहीं गई। क्यों क्यों क्यों, खैर है, किधरे मोह मोह के उस बदमाश नु दिल विच ते नहीं वसा लिया। मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे पहचाना नहीं और तुम जैसे जंगली को उसके पीछे लगा दिया। अब मैं यहाँ वापस आऊँ तो तुम मुझे नजर ना आना। पर गलती सुनो बादशाह, तुसी किधर चल रहे हो? उसके पास, जिसको इतनी छोटी शरारत की इतनी बड़ी सजा मिल गई। लो कुई ते फंस गई जे। हमसे जान छुड़ाता और दूसरा लड़की लोग के साथ लड़खड़ा नहीं करता, खुद अपने आप को मारता और लड़कियों के तरह करता। आज हम इसमें सारा भांडा फोड़ देगा, नर एक नहीं छोड़ेगा, सब तोड़ के रखेगा। Anybody here? अरे आप, मैं एक्सक्यूज करने आई हूँ, मेरी वजह से। अरे छोड़िए, अब एक्सक्यूज करके क्या फायदा, जो होना था वो तो हो ही चुका। अरे ये क्या, थोड़ी देर पहले तो दाई डाल रखनी थी। जी नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुई है, ये शुरू ही से बाई टांग ही जख्मी है मेरी। बहुत तकलीफ हो रही है। जी हाँ। अरे आपने हार्ट क्या रखा, दर्द एकदम खत्म हो गया, लेकिन अब क्या फायदा, मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ। कहाँ? आपकी दुनिया से दूर, बहुत दूर, अपने घर। बहुत तंग करता था ना आपको यहाँ, अब आपको कभी मेरी मनहूस सूरत नजर नहीं आएगी। मैं जूबी, आप नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाऊंगा, यहाँ एंजॉय करने के यही तो दिन है, ठंडी हवाएं, काली घटाएं, इतने हसीन नजारे छोड़कर आप चले जाएंगे? छोड़िए मिस जूबी, आपके बगैर ये तमाम चीजें मेरे लिए बेकार है, मुझे जाने ही दीजिए। नहीं, जब तक आपकी नाराजगी दूर नहीं हो जाती मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जी जी, आप नहीं जाएंगे, आपको मेरी कसम। अरे मैडम, आप कहां से आ गए? अभी हम तुम्हें बताते हैं। क्या कर रही? अरे मेरी बात सुनिए मैडम। अरे क्या कर रही मैडम? अरे क्या कर रही हो? मेरी चोट। अरे मैडम, अभी बताता तुम्हें। एक छोकरी, मैडम प्लीज। नहीं छोकरी, ये देखो झूठ मूठ का कटी, ये एक नंबर का फ्रॉडी है। कभी ये आमिर बनकर तुमको चक्कर देता, कभी ये आसिफ बनकर तुमको चक्कर देता। आई मीन तुम्हारा मालिक। तुमने हमारा लक ठुकराया, अब भुगतो। तुम कैसे आदमी हो, किसी को परेशान करके उसके जज्बात से खेलते हो? देखिए मैं। शट अप, आई हेट यू। Thank you.
कल सुबह वापस जा रहा हूं। आपसे सिर्फ इतना कहने आया था कि जो कुछ हुआ वो दिल लगी जरूर थी, लेकिन उसके पीछे जो जज्बा था वो सच्चा था। मैं आपसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा, जी कर भी और मर कर भी। कभी तो जलेंगे चिरागे मोहब्बत, कभी तो तुमसे मुलाकात होगी। शमा साहेब, शमा बेटी। कब तक साए के पीछे भाग भाग कर गिरती रहोगी? जब तक वो आकर थाम नहीं लेता। वो नहीं आएगा, तुम उसके इंतजार में यूं ही तड़प तड़प के मर जाओगी। जो किसी का इंतजार नहीं करते वो भी तो मर जाते हैं माँ। जब मरना ही है तो फिर महबूब के इंतजार में क्यों ना मरा जाए। तुम उसका इंतजार जरूर करो, लेकिन पांव में घुंघरू बांधकर, ताकि इंतजार भी होता रहे और कारोबार भी। अदाओं का कारोबार बहुत हो गया माँ, अब दिलों का व्यापार होने दो। इस व्यापार में घाटा ही घाटा है। हमने जो बोया है वही काटा है। कल तक जमाना हमारे पीछे था और आज हम किसी के पीछे। रो रही हो ना? नहीं, यूं ही आंखों में पानी सा गया है। शमा, जब तवा इसकी आंख से पानी बहता है तो उसमें कोठा डूब जाता है। समझ लूं, अब यहां घुंघरों की आवाज कभी नहीं गूंजेगी? घुंघरों की आवाज जरूर गूंजेगी। कब? जब बाहर आएगी। Thank you.
कसमें मैं भी निभाऊंगी प्यार की रस्में। मैं न बुलाऊंगा वादे कसमें जो कहा है तुमने जो सुना है कहा है तुमने जो सुना है मैं भूल जाऊं अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे याद आना भूल न जाना याद याद आना भूल न जाना याद दिला।
कहा है तुमने जो सुना है कितनी खूबसूरत वादी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस खूबसूरत वादी को देखते देखते कहीं नीचे ही ना गिर जाना। जब तक तुम्हारा सहारा है मैं कैसे गिर सकता हूं। नहीं, क्या हुआ बेटी? मां, यूं लगा है जैसे मुझे किसी ने बुलंदी से गिरा दिया हो। कॉफी बनाऊं? नहीं, पहले तुम यहां बैठो। अरे तुम तो ऐसे पड़े हो जैसे पता नहीं बड़ी गहरी चोटें लगी हैं। खराशें ही तो आई हैं ना। छोड़ो, पी लेंगे। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि 8 दिन के अंदर अंदर तुम मेरी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ जाओगी। देख लो, आज 8वां दिन है और इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत की गिरफ्त में हो। गिरफ्तार किया है तो अब उम्र कैद की सजा भी सुना दो। अब ये दुनिया तुम्हारे बगैर अच्छी नहीं लगती। एक पल भी तुम्हारे बगैर रहना कयामत नजर आता है। किसे फोन करने लगे हो? तुम्हारे डॉक्टर अंकल को। क्यों? ये बताने के लिए कि जूबी अब एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकती, लिहाजा उसका हाथ जल्द से जल्द मेरे हाथ में दे दीजिए। क्या तुम इस तरह बात करोगे? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, मैं आमिर बोल रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था ना कि 8 दिन के बाद आपके घर आकर आपके साथ खाना खाऊंगा। ठीक, लिहाजा मैं आ रहा हूं। थैंक यू। मैं तो डर ही गई थी। क्यों? कि कहीं तुम फोन पर अपने और मेरे खोने का इजहार ना कर दो। अरे वो बातें तो आमने सामने बैठकर होंगी। चलो। अब वो तुम्हारी चोटें ठीक हो गई? चोटें तो तुम्हारे करीब आते ही ठीक होगी। का पट्टा अपने आप को बहुत बड़ा ड्राइवर समझता है। अभी देख लेता हूं। नहीं आमिर, इससे मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने भी कभी किसी से हार नहीं मानी। क्या कर रहे हो आमिर? आहिस्ता चलाओ आमिर। आहिस्ता चलाओ। कहा ना तेज नहीं चलो।
सर, मिस रामर को होश आ गया है। ओह गुड। लेकिन वो मिस जूबी से मिलने की जिद कर रहे हैं। बार बार अपने कमरे से निकलकर इस कमरे की तरफ भागते हैं। नो डॉक्टर। डॉक्टर राणा। यस सर। आप मिस जूबी की हालत में तब्दीली की एवरी मोमेंट की रिपोर्ट मुझे दें। आई एम जस्ट कमिंग। ओके जी। मिस्टर राम प्लीज रुक जाइए, आपकी हालत। मेरी हालत बिल्कुल ठीक है सिस्टर। देखिए मुझे एक नजर जाके जूबी को देख लेने दीजिए। जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ। अगर उसे कुछ हो गया मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। प्लीज प्लीज मिस्टर आमिर। डॉक्टर जूबी। सॉरी मिस्टर आमिर, शी इज इन डेंजर। ये क्या कह रहे हैं? जूबी को बजाहिर कोई नहीं, दमागी चोट है जिसकी वजह से वो मसलसल बेहोश है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसे होश ना आया तो उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। देखिए मिस्टर आमिर, अगर आप उसकी जिंदगी चाहते हैं तो उससे मिलने की जिद ना कीजिए। आपका कोई भी जज्बा, आपकी कदर और हमारी जरा सी बेहतियाती उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वैसे भी आप जख्मी है, आपको आराम की जरूरत है, आप प्लीज घर जाइए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं जूबी को इस हालत में छोड़कर घर नहीं जा सकता। मिस्टर आमिर, आप यहाँ रहकर उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप अपने लिए नहीं तो जूबी की जिंदगी की खातिर मेरी बात मान लीजिए प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जूबी को जैसे ही होश आया मैं आपको घर फोन कर दूंगा। यस। हेलो। ओह मिस्टर आमिर, देखिए आपको कितनी मर्तबा कहा है कि मिस जूबी के कमरे में जाने की किसी को इजाजत नहीं है। वो कैसी है किस हाल में हम कुछ नहीं कह सकते। नाक में दम कर दिया है इस शख्स ने। सुबह से अब तक 50वां फोन है इसका। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे होश ना आया तो वो मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी। नहीं मिस्टर आमिर, जूबी। प्लीज डॉक्टर, कोई गलत खबर ना सुनाइएगा। ओह नो डियर, इट्स अ हैप्पी न्यूज़। जूबी होश में आ गई है। ओह थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हेलो। आपको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के प्राइवेट रूम में कैसे एंटर होते हैं? ओह सॉरी, मैं इजाजत लेकर आ जाता हूं। मे आई कम इन? What do you mean? Who are you? जूबी। Hello, Mr. Amir. Hello, Doctor साहब। Doctor साहब, आप ये ने बताइए मैं कौन? मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। जूबी ये क्या मजाक है? Mr. Amir, आप जूबी को डिस्टर्ब करने की कोशिश न कीजिए। वो अब आपको नहीं पहचानेगी। मुझे नहीं पहचाने? Doctor साहब आप तो यूं कह रहे हैं जैसे जूबी अपनी याददाश्त खो बैठी। जूबी की याददाश्त खोई नहीं, वापिस आ गई है मिस्टर आमिर। वापस आ गई? 6 महीने पहले ये एक हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठी थी। तब से मैं इसका इलाज कर रहा हूं। जो काम मेरा 6 महीने का ट्रीटमेंट न कर सका वो एक्सीडेंट ने कर दिया। नाउ शी इज अ नॉर्मल गर्ल। अगर अब आप इसे अपनी पहचान कराना चाहेंगे तो ये ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी। और मैं इसके मॉलिज की हैसियत से आपको ये इजाजत कभी नहीं दूंगा कि आप मेरे पेशेंट को डिस्टर्ब करें। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। सर आपसे कोई सलमान साहब मिलना चाहते हैं। सलमान? कहाँ है सलमान? कहाँ है सलमान? वो लान में बैठे हैं। जूबी, जूबी! एक्सक्यूज मी।
जूबी। बार बहुत सख्त तूफान है साहब जी। अंदर भी लगता है कल को बर्फबारी भी शुरू हो जाएगा शायद। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, हर एक से पूछा, लेकिन किसी ने भी तुम्हारा नहीं बताया। ये सब दीवारें डैडी की खड़ी की हुई है सलमान, मेरी नहीं। अगर मेरी याददाश्त ना चली जाती तो मैं तुम्हें खुद ढूंढ लेती। क्या तुम वाकई सब कुछ भूल गई हो? हाँ सलमान। अब सब कुछ याद आ गया या? सब याद आ गया है। अच्छा ये बताओ कि हमारी इस लव स्टोरी की ट्रेजेडी किस दिन से शुरू होती है? ट्रेजेडी वो दिन था संडे, डैडी पिंडी गए हुए थे और हम दोनों ने उनकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर आउटिंग का प्रोग्राम बनाया था। तेरे लिए
दे दिल में धड़कन तेरी, मेरे दिल में धड़कन तेरी, और धड़कन में नगमे तेरे। कैसे जुदा कर पाए, गाड़ी में बैठो। अरे आप मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, आज के बाद तुम घर से भी बाहर नहीं निकलोगी। कौन रोकेगा मुझे? मैं, तुम्हारा बाप। किस लिए? कितने बार कहूं कि मुझे तुम्हारा सलमान से मिलना पसंद नहीं। लेकिन मुझे पसंद है सलमान भी और उससे मिलना भी। ओह शट अप। मेरी मोहब्बत, प्यार और आजादी का यह मतलब नहीं कि तुम हर बात में जिद करो। एक मामूली घर के लड़के के लिए बाप के सामने आंख उठाओ। मैंने आंख अपना हक, अपना प्यार मांगने के लिए उठाई है डैडी। छोटी सी थी जब माँ मर गई, आप बिजनेस में मसरूफ हो गए, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी जापान। मुझे ना माँ का प्यार मिल सका, ना बाप का। मैं हॉस्टल की तन्हाइयों में छुप छुप कर रोती रही, और फिर सलमान मिल गया। लेकिन आप इतने जालिम हैं कि मुझसे मेरा ये प्यार भी छीनना चाहते हैं। आखिर क्यों, क्या बुराई है सलमान में? वो गरीब है, मामूली घर का लड़का है, उसका कोई स्टेटस नहीं, गंदगी का ढेर है वो। कुछ फूल ऐसे भी होते हैं डैडी जो खिलते ही गंदगी में है। सूबी, तुम्हारी जबान इतनी लंबी और सोचने का अंदाज इतना बाखियाना हो गया है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं सलमान से दूर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आप
बैठ जाओ। ड्राइवर गाड़ी इसके ऊपर से गुजार दो। नहीं। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कब डॉक्टर अंकल के पास पहाड़ पर आई, मुझे कौन लेकर। लेकिन मुझे सब कुछ याद है। सलमान ये बहुत बदतमीज आदमी है, हॉस्पिटल में भी मेरे कमरे में घुसाया था और न जाने कैसी उल्टी सीधी बातें करता रहा। तो फिर इसे इसके हाल पे छोड़ दो, आओ चले। जूबी इसका हाथ छोड़ दो। तुम हो कौन ये बात कहने वाले? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। हम दोनों एक हैं। ये झूठ है। ये सच है। शट अप। सलमान, सलमान, तुमने मेरे सलमान को मारा है। तुम हो कौन उस पे हाथ उठाने वाले? क्या लगते हो मेरे? क्या दुख दिया हम दोनों ने तुम्हें जो तुम हमारे दरमियान आ गए हो? दरमियान में मैं नहीं जूबी, तुम्हारे और मेरे प्यार के दरमियान ये आ गया है। मैं कोई गैर नहीं, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा आमिर हूं। जूबी तुम मेरा प्यार हो। तुम बकवास करते हो, मुझे नफरत है तुमसे। तुम मुझसे मेरा सलमान छीनना चाहते हो ना? मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जूबी कोई मेरे प्यार को इस तरह लूट ले ऐसा मैं भी नहीं होने दूंगा। सलमान जूबी के बचपन का साथी है। जूबी की लौटी हुई याददाश्त ने उसे पहचान कर तुम्हें बुला दिया है। अब तुम्हारे लिए बेहतरीन स्थिति में है कि तुम भी उसे भूल जाओ। नो डॉक्टर नो, मुझे दिलासे का मरहम चाहिए डॉक्टर, इनकार का जख्म नहीं। तुम अपने तजुर्बे को मेरा एहसास बनाकर जूबी को एक बार फिर से माजी की तरफ लौटा दो। मुझसे मेरी सारी दौलत ले लो डॉक्टर, लेकिन जूबी के जागे हुए जहन को एक बार फिर से सुला दो। उससे सलमान की याद छीन कर मेरे ख्वाबों की ताबीर बना दो। मुझे अफसोस है मिस्टर आमिर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि मैं डॉक्टर हूं, इलाज कर सकता हूं, साजिश नहीं। जाओ, कर सकते हो तो सब्र करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा यह मशवरा मेरे खूबसूरत माजी का मुस्तकबिल नहीं है डॉक्टर। तुम अपने पेशे का भरम रखो, मैं अपने दिल का भरम रखूंगा। मैंने कभी शिकस्त नहीं खाई है डॉक्टर, और आज भी शिकस्त नहीं मान सकता। एक बात याद रखिएगा मिस्टर आमिर, अगर आपने जूबी को दोबारा उसके माजी में वापस ले जाने की कोशिश की या उसे किसी किस्म का भी सदमा पहुंचाया तो वो हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी। पागल हो जाएगी ना, अब तो नहीं जाएगी। आंटी, आंटी, आंटी। अरे जूबी बेटा। आदाब आंटी। जीती रहो। कैसी हैं अम्मी? तुम लोग अंदर चलो। अरे तुम लोग अभी तक अंदर नहीं गए, चलो ना अंदर। क्या हुआ आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बात है, खैरियत तो है? कुछ कहें तो सही, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? सुबी को छुपा रही हूँ, कहाँ खो गई थी तू? चलो अंदर जाके बैठो। आप मुझे छुपा क्यों रही हैं? किसी से डरती हैं आप? हाँ बेटा डरती हूँ, तुम्हारे डैडी या उनके किसी आदमी ने तुम्हें इस घर में देख लिया तो सजा तुम्हें नहीं मेरे बेटे को मिलेगी। किसकी जरूरत है जो सलमान की तरफ आंख उठाकर भी देखे? और डैडी वो तो यूरोप में है। आंटी बोल बेटा, डैडी वापस आए तो बस हो गई ना छुट्टी। वहां से बड़ी रेसलिंग करके आई थी कि वहां जाकर ये कहूंगी वो कहूंगी, अब बोलो ना। बोल बोल बेटा। आंटी डैडी वापस आए तो आप मुझे उनसे अमित्या के लिए मांग लीजिए ना। तुम्हारे डैडी तो सलमान का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, मैं तुम्हें कैसे मांग लूं उनसे? आफ्ताब सर्रीक को रोशनी तो दे सकता है मगर सर आफ्ताब को अपनी जमीन पर नहीं उतार सकता। बेटा तुम आफ्ताब हो और हम। आंटी आप एक बार डैडी से बात तो कीजिए, सूबी इतनी कमजोर नहीं कि वो अपने डैडी को मना ना सके, प्लीज आंटी। कब आ रहे हैं तुम्हारे डैडी? दो दिन बाद।
इस तरह मिलोगी डैडी से, हमारे करीब आओ। नाराज हो? जी नहीं, फैसले की मुंतजिर हूँ। कौन सा फैसला? जो कार में अधूरा रह गया था। हमारा फैसला आज भी वही है जो कल था, तुम सलमान को भूल जाओ। बदकिस्मती से भूल गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से आपके इलाज ने याद दिला दिया है। तुम्हारा इलाज इसलिए कराया है कि तुम अपने होशो हवास में उसे भूल जाओ। एक बात पूछूं डैडी? पूछो। आपका बैंक बैलेंस कितना है, ठीक ठीक बताइएगा। आप दौलत से प्यार करते हैं, करोड़ों से लेकर सैकड़ों तक याद रखते हैं। मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ, उसे कैसे भूल जाऊं? अपनी मोहब्बत की लाश उठाए मैं वापस तो आ गया हूँ मम्मी, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा जरूर। और अगर वो ढूंढने से भी ना मिली तो फिर आमिर गुम हो जाएगा उन अंधेरों में जहां से कोई वापस नहीं आता। ये तो क्या कह गया है आमिर? हर आशिक शुरू शुरू में ऐसा ही कहता है, फिक्र ना करें, दो चार दिन में इसका ये भूत उतर जाएगा और उनका ये इंतजार अपने आप खत्म हो जाएगा। आमिर तुम ये तस्वीर देख तो लो। मम्मी 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 बिस्मिल्लाह। मम्मी ये तस्वीर किसकी है, कौन है ये? ज़ूबी। सुबी, नाम भी वही है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये रिश्ता मैंने पसंद जरूर किया था लेकिन अब इनकार कर दूंगी। नहीं मम्मी नहीं, आप इनकार नहीं करेंगी, ये लड़की आपके बेटे की पसंद है। सच? हाँ मम्मी, यही वो लड़की है जो पहाड़ पर मुझसे मिली थी और मुझे आमिर से अपना परवाना बनाकर कहीं खो गई। सुबी मेरी जिंदगी है मम्मी, लेकिन मुझसे दूर है, आप जितनी जल्दी हो सके मेरी जिंदगी मुझे ला दीजिए। मैं कल ही मिर्जा साहब से बात करूंगी। कल नहीं मम्मी, अभी और इसी वक्त प्लीज। अच्छा, मुझे मंजूर है, आप बात पक्की समझे। आपने मेरा मान रख लिया भाई साहब। क्यों शर्मिंदा करती हैं? मैं चाहता हूँ ये नेक काम जितने जल्दी हो सके अच्छा है। कल जूबी की सालगिरह है, मैं इस मौके पर आमिर और जूबी की मंगनी का ऐलान कर देता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। यू आर वेरी मच वेलकम। तुम जूबी की सालगिरह पर मत जाओ बेटा, वो उस बाप की बेटी है जो अपने आप को आसमान से भी ऊंचा और हमें जमीन से भी नीचा समझता है, और फिर वही नहीं, वहां तो तुम्हारी सब जान के दुश्मन है। इसीलिए तो वहां जा रहा हूँ, हो सकता है जूबी ने मुझे इन दुश्मनों में इसलिए बुलाया हो कि वो मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाह रही हूँ। और वैसे भी अम्मी, आपका बेटा गरीब है, बुजदिल नहीं है। हेलो जूबी। मेरी है खुश नसीबी मोहतरमा, ग्लूकोज का टांका खूब लगाया करें। प्लीज एक्सक्यूज मी। हाय जूबी। आप इधर को आए बीबी? हाय रूबी। हेलो रूबी। मोहतरमा, आप म्यूजिक को समझती है? ऑफ कोर्स। इतनी बेचैनी से आखिरी इंतजार किसका है? आएगा तो देख लेना। वो है कौन? आता ही होगा। Thank you.
इनसे मिलिए, ये हैं आमिर और आप। इन्हें मैं एक बार मिल चुकी हूँ। आप कैसी हैं आंटी? ठीक। सलमा एक्सक्यूज मी। आमिर, सूफी तो तुम्हें पहचानती तक नहीं। यही तो दुख है मम्मी। अच्छा अच्छा चाओ उसे ये गिफ्ट दे दो। चाओ ना। सूफी, मुझे बेतकल्लुफी से मुखातिब करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम नाराज हो? भला मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? मेरा आपसे क्या नाता है? नाता तो बहुत मजबूत था, रेशम की डोरी से भी ज्यादा मजबूत। लेकिन तुम आप यहां भी अपना पागलपन लेकर आ गए। प्लीज फॉर गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ दीजिए। परवाना शमा का पीछा उसी वक्त छोड़ता है जब वो चल मरता है। प्लीज मिस्टर आमिर, ये तोहफा तो ले लो। मुझे कीमती तोहफों से नफरत है। सलमान, हैप्पी बर्थडे जूबी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, इतनी देर लगा दी तुमने। तुम ना आते तो मुझे बहुत दुख होता। लेकिन अब तो आ गया हूँ मैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। ओके काटे, चलो। हम भी रहेंगे ऐसे,
ये मीठी मीठी बातें, ये गहरी मुलाकातें, ये मीठी मीठी बातें, ये गहरी मुलाकातें, मैं भूल जाऊं अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे याद लाना, भूल न जाना याद लाना। बदली हैं नजरें तेरी, चेहरा वही है तेरा लेकिन बदली हैं नजरें तेरी, मैं तो ना भूला भूल गई तू कैसे ये सूरत मेरी, जब दिल से दिल मिला था तब वादा ये हुआ था, जब दिल से दिल मिला था तब वादा ये हुआ था, मैं भूल जाऊं अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे याद लाना, भूल न जाना याद लाना, मैं न भूलूंगा वादे कसमें, मैं भी निभाऊंगी प्यार की रस्में, तूने ये कहा था मैंने ये सुना था, मैं भूल जाऊं अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे याद लाना, भूल न जाना याद लाना। मज़दूर मेहमानों, इस मौके पर आपकी खुशी को दोबारा करने के लिए आप सबकी मौजूदगी में मैं अपनी बेटी जूबी और मिस्टर आमिर की मंगनी का ऐलान करता हूँ। सूबी बेटी, क्या हुआ? फूल लेकर गया था और कांटे लेकर वापस लौट आऊं। आज मैं भी मोहब्बत का वही अंजाम लेकर वापस लौट आऊं जो छोटे लोगों का बड़े लोगों से प्यार करने का अंजाम होता है। लेकिन सुभी तो मत लीजिए उसका नाम मेरे सामने। उसने मेरी वफा का खून ही नहीं किया, मुझे भरी महफिल में बुलाकर जलील किया है, मेरी मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। इस मजाक को यही खत्म कर दीजिए डैडी। रात भरी महफिल में मैं खामोश रही सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरा बोलना आपकी जिल्लत ना बन जाए। तुम अब भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं बोलोगी? आपका फैसला मेरी जिंदगी के लिए है और मैं अपनी जिंदगी सलमान के नाम कर चुकी हूँ। जूबी, जूबी की खामोशी को अपनी जीत और मेरी शिकस्त न समझिएगा डैडी। याद रखिए, जो फैसला आपने सुनाया है अगर आप उसे हकीकत का रंग देना चाहेंगे तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। मैं सलमान से मोहब्बत करती हूँ और आमिर से नफरत करती हूँ। खामोश। जूबी, ये सब क्या है? जवाब, आपकी पहनाई हुई हीरे की अंगूठी सूबी के हलक से उतरकर उसका जिगर तो काट सकती है, वो
वो बंधन नहीं काट सकती आमिर साहब, जो सूबी और सलमान के प्यार ने बांधा है। वो बंधन तो टूट गया, अब इस अंगूठी को उतार कर चाहे कितनी ही बार फेंको फिर भी तुम मेरी ही कहलाओगी। सिर्फ लाश की सूरत में, जब तक रूह इस जिस्म में मौजूद है मैं सिर्फ सलमान की हूँ, ये वादा है मेरा उससे। कुछ वादे तुमने मेरे साथ भी किए हैं सुबी। मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया, कितनी बार कहूँ आपने ख्वाब देखा है, और भूल जाइए उसे। कैसे भूल जाऊं और क्यों भूल जाऊं? तुमने नफरतों के पत्थर से मेरे उस ख्वाब के शीशे को रेजा रेजा करके हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसके टुकड़ों की चुभन और उसकी खराशों की जलन ने हमेशा जागते रहने की सजा दी है मुझे। जब से वो ख्वाब टूटा है मैं सोया नहीं हूं जुबी, मुसलसल जाग रहा हूं, मुसलसल चल रहा हूं मैं तुम्हारी जुदाई की आग में। आप वाकई दीवाने हैं? हाँ दीवाना हूं मैं। दीवाने की आंखों को फिर से वो ख्वाब दिखा दो जुबी, वरना जिन बहारों को कवा बनाकर हमने साथ जीने की कसमें खाई थी वो ना मुझे सोने देंगी और ना मरने देंगी। आमिर साहब छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता, तुम मेरी मोहब्बत का इकरार नहीं कर लेती या अपने हाथों से मेरी जिंदगी छीन नहीं लेती, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा मैं। आमिर साहब मैं तुमसे दूर रहकर नहीं जी सकता जुबी, कह दो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, कह दो जुबी, कह दो जुबी। कह दो सुबी, कह दो। इसलिए कि सब कुछ मेरी लालमी में हुआ, मेरी रसामंदी के बगैर हुआ। ये देखो मेरे हाथों की तरफ देखो, सबकी सब उंगलियां खाली हैं, इनमें अंगूठी सजेगी तो सिर्फ तुम्हारे नाम की। ये क्या किया तूने? अपनी उंगली क्यों काट ली है? खून के लाल रंग से बनी यह अंगूठी तुम्हारा नाम लेकर पहन ली है सलमान। अब तुम भी यकीन कर लो कि सूबी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। सूबी ने आपकी पहनाई हुई अंगूठी उतार कर नहीं फेंकी बेगम साहिबा, मुझे आपकी नजरों में गिरा दिया है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस कमबख्त को। नहीं भाई साहब, बच्चों को इस तरह नहीं, प्यार से समझाते हैं। वो प्यार से क्या समझाएंगे जो खुद प्यार के दुश्मन हो। जूबी कहां गई थी? गरीब सलमान की अंगूठी पहनने। इतने गुस्से से क्या देख रही हैं डैडी? ये भी मंगनी की अंगूठी है जिसे प्यार के सब दुश्मन मिलकर भी नहीं उतार सकते। ये अंगूठी हीरे की तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत कीमती है। मैं आज ही उस दलील लड़के से बात करूंगा। आइए सेठ साहब, कहिए कैसे आना हो? जूबी के वाले तुम्हारी मौत बंद करा रहे थे लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया है। जूबी के वाले आसमानों से ऊंचे जरूर होंगे लेकिन वो खुदा नहीं कि किसी गरीब इंसान की जिंदगी या मौत का फैसला कर सके। आपने उन्हें आने दिया होता, रोका क्यों? इसलिए कि तुम गरीब मां का वाहिद सहारा हो, वरना जो शख्स आमिर की मोहब्बत पर अपना हक जताए उसकी जीती हुई बाजी को हार में बदलना चाहे उसे जूबी के वालिद से पहले मैं खुद गोली मार दूंगा। आमिर साहब आपने मोहब्बत का जो ख्वाब देखा था वो अभी टूटा नहीं? टूट गया है लेकिन उसकी ताबीर बड़ी भयानक है सलमान। अगर कल तक तुम जूबी की जिंदगी से निकलकर उससे दूर नहीं चले गए तो वो ताबीर तुम्हारी बूढ़ी मां के मातम की सूरत में सारा जमाना देखेगा। सलमान तुम्हारी मोहब्बत
बरसात की धूप क्यों बन गई जूबी? कुछ मांगने आए हो? नहीं, जो तुम छीनना चाहते हो वो बेदिली से लौटाने आया हूं। आज मैं जूबी की जिंदगी और तुम्हारे शहर से यूं निकल जाऊंगा कि मेरे लौटने के रास्ते तक मिट जाएंगे। मायूसी में किए हुए फैसले बड़े कमजोर होते हैं सलमान। तुम्हारा कांपता हुआ लहजा बता रहा है कि आज तुम मायूसी में एक ऐसा फैसला कराए हो जो कल तुम्हारा पछतावा भी बन सकता है। अपने माहौल की तरह हर जज्बे को शक की नजर से देखना छोड़ दो आमिर। मां के हुक्म ने मुझे इस फैसले तक पहुंचाया है, वरना तुम्हें क्या पता? मैंने अपनी एक एक सांस को दिल बनाकर सूबी को चाहा है। दिल वाले मोहब्बत की दुनिया से मर कर ही निकला करते हैं सलमान। तुम्हारी तरह सब कुछ बचाकर, सब कुछ समेट कर कोई और दुनिया, कोई और ठिकाना तलाश करने नहीं जाते। आज तो आंसू मैंने पी लिए हैं, लेकिन हो सकता है कल जमाना यही आंसू तुम्हारी आंखों से टपकते हुए देखे आमिर। आज तो आंसू मैंने पी लिए हैं, लेकिन हो सकता है कल जमाना यही आंसू तुम्हारी आंखों से टपकते हुए देखे आमिर। अब इस अंगूठी को उतार कर चाहे कितनी बार फेंको, फिर भी तुम मेरी ही कल होगी। सिर्फ लाश की सूरत में, जब तक रूह इस जिस्म में मौजूद है, मैं सिर्फ सलमान की हूँ, ये वादा है मेरा उससे। आपकी पहनाई हुई हीरे की अंगूठी सूबी के हलक से उतर कर उसका जिगर तो काट सकती है, वो बंधन नहीं काट सकती आमिर साहब, जो सूबी और सलमान के प्यार ने बांधा है। तुम कुछ नहीं पा सकोगे आमिर, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मोहब्बत किसी को हमेशा हमेशा के लिए पा लेने का नाम नहीं, आजमाइश की सूली पर चढ़कर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाने का नाम है। तुम क्या समझते हो, मुझे पाकर अपनी मोहब्बत की तकमील कर लोगे, जीत जाओगे? नहीं, ये तुम्हारी हार होगी, ये तुम्हारी हार होगी, हार होगी, हार होगी। मम्मी! क्या हुआ आमिर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी, इनकार कर दीजिए, इनकार कर दीजिए मम्मी, मैं सूबी से शादी नहीं करूंगा। ये तुम कह रहे हो आमिर? हाँ मम्मी, मैं सर पर सेहरा सजाकर प्यार की जीती हुई बाजी को हारना नहीं चाहता, किसी तरह शादी से इनकार कर दीजिए मम्मी। पागल मत बनो आमिर, अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा, दावतनामे बढ़ चुके हैं, सब तैयारियां हो चुकी हैं, हम जुबान दे चुके हैं, तुम्हें ये शादी करना होगी आमिर। ये शादी नहीं हो सकती मम्मी, ये शादी नहीं हो सकती, किसी तरह रोक दीजिए इस शादी को, वरना आपका बेटा खुदकुशी कर लेगा। नहीं आमिर, नहीं, तुम्हें अपनी माँ के सर की कसम ऐसा कोई कदम ना उठाना। अरे पगले, हमने इतने अरमानों के साथ तेरे लिए सहरा बनाया है और तू हमारी खुशियों का दुश्मन बन गया है। बस हम कह देते हैं आमिर, तुम्हें ये शादी करना होगी। सलमान टांगा ले आया? सर साहब, आप, हम जा रहे हैं सर साहब, देखिए सामान बंधा हुआ है, सलमान टांगा लेने गया है, हम आपको अभी शहर में कभी नजर नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। माँ जी, आप लोग यहां से नहीं जाएंगे, आपके बेटे का प्यार, उसकी खुशियां, उसकी मंजिल, उसे मिलकर रहेंगे माँ जी। ये आप क्या कहने आया था? एक दिन रुलाने आया था, आज खुशियां देकर चला गया। हे
आदाब। आदाब। खुशकिस्मती है कि आज आप मरने से बच गई। आपके इंतजार में जीना भी मरने से कम न था। लेकिन हमने तो कह दिया था कि अब हम आपसे नहीं मिलेंगे। मगर ये दिल कह रहा था आप जरूर मिलेंगे। ये मुलाकात तो बस एक हादसा है। इस हादसे को हमारे इंतजार का नसीब बना दीजिए साहब। हमारे दिल के सुनसान दरवाजे पर एक बार कदम रख दीजिए। हम समझेंगे आपने हमारा दिल रख लिया। हम जिंदगी में हारना नहीं जानते शमा। हम पर इल्जाम है कि हम प्यार नहीं करते। हम प्यार करने लगे हैं साहब। जब हम न रहे तो आपकी जिद कैसी। मेरे दिल की वहशत तो जरा देखिए। हराहट पे उनके आने का गुमा होता है। जब लग सामने है
से जो एक पल दूर रही है ये दुआ जिंदा न रहे। तुमसे बिछड़कर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है। हमने तो ना बिछड़ने की दुआ मांगी थी साहेब, आप बिछड़ भी गए। हम आपकी ये अदा समझे नहीं। इश्क करती हो और आशिकों की अदा भी नहीं समझती, कैसी दीवानी हो तुम। दीवानी भी कहते हैं और समझाते भी हैं। भला दीवाने भी कभी समझे हैं साहेब। राजा साहेब। क्या वजह, इतनी खौफजदा क्यों? आप यहाँ से फौरन चले जाएं साहेब। क्यों? खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं। दिल में मोहब्बत का दर्द रखने वाले इतनी जल्दी टूट कर बिखरा नहीं करते शमा। हमें बताओ तो सही, तुम किस खौफ से हमें यहाँ से भगाना चाहती हो? राजा बहुत संगदिल है साहिब, उसने कह रखा है जिससे हम मोहब्बत करेंगे वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, वो आ रहा है साहिब, आप चले जाएं। आने दो उसे साहिब। साहिब आप हमारी जिंदगी हैं, आपको जरा सी आंच भी आ गई तो हम मर जाएंगे। अच्छा ही है ना शमा, हम जो जिंदगी का बोझ उठाए उठाए फिरते हैं उससे छुटकारा पालेंगे। साहिब नहीं राजा नहीं, तुम हमारे साहिब को कुछ नहीं कहोगे। राजा तुम्हें हमारे साहिब तक पहुंचने के लिए हमारी लाश से गुजरना होगा। अपने बढ़ते हुए कदम रोक लो राजा, क्षमा तुम्हारी मौत भी बन सकती है। तुम राजा की मौत नहीं जिंदगी हो। आशिक तुम्हारे जैसे भी होते हैं ये पहली बार देखा है हमने, दुश्मन मेरे जैसा भी होता है ये आज तुम जिंदगी की आखिरी हिचकी लेते हुए देखोगे।
عامر کو بازار حسن میں گرفتار کر لیا گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوا ہے زید صاحب، اور جو اس خبر میں نہیں لکھا ہے وہ بھی مجھ سے سن لیجئے۔ میں اس بازار حسن کی ایک خوبصورت طوائف سے عشق بھی کرتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی بیٹی کو بھی بتا دیجئے اور اس سے پوچھ لیجئے کہ اس کے باوجود وہ ہم سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ ہم انکار کرتے ہیں، زوبی کی شادی تم جیسے گھٹیا آدمی سے کبھی نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن سیٹ صاحب، یہ ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے؟ عیاشی کرنا آپ جیسے اور ہم جیسے دولت مندوں کا ورثہ ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، ہم تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتے، نکل جاؤ۔ شکریہ۔ بدماش! جاؤ ماں جی، میں نے پتھر کو پانی کر دیا ہے، جس طرف چاہو گی پہنے لگے گا، اور اگر ضرورت پڑے تو میری دولت کناروں کا کام دے گی۔ جاؤ۔ تمہارے بیٹے عامر سے صوبی کی شادی ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ ڈیڈی، کیا بات ہے؟ عامر کے بارے میں تو آپ کی رائے بہت اچھی تھی، لیکن آج اس کے باوجود تمہیں اپنا مستقبل ہماری ہی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ آپ میرا مستقبل شفقت کی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے یا دولت کی بند آنکھوں سے؟ تمہیں صرف ہمارا فیصلہ ماننا ہوگا، ہم تمہارا مشورہ نہیں لیں گے۔ تو پھر مجھے بھی آپ کے کسی فیصلے سے اتفاق نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے؟ خیرات مانگنے آئی ہو تو باہر کھڑی ہو کر مانگو، اندر کیوں چلی آئی ہو؟ سر صاحب، میں خیرات مانگنے نہیں، آپ کو احساس دلانے آئی ہوں۔ میں سلمان کی ماں ہوں۔ تو تم سلمان کی ماں، اس بھکاری کی ماں؟ ڈیڈی، آپ کی دولت کا غرور کسی کو گالی دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو ہم بھی نہ دیجیے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ عورت یہاں کیوں آئی ہے؟ صرف یہ بتانے آئی ہوں سیٹ صاحب کہ زوبی اور سلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس محبت سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن یہ پھر بھی پیار کرتے رہیں گے۔ سلمان اور زوبی کو ملا دیجیے سیٹ صاحب، ورنہ یہ دونوں مر جائیں گے، مر جائیں گے سیٹ صاحب۔ وہ سونا کس کام کا جو اولاد کو مٹی کا ڈھیر بنا دے؟ وہ دولت کس کام کی جو بیٹی کو محل تو دے دے مگر سکھ نہ دے سکے؟ ڈیڈی، آنٹی کے ناسوں کو پوچھ دیجیے، ورنہ زندگی بھر آپ میری صورت کو ترستے رہیں گے۔ زوبی، مت رو زوبی، ہماری بیٹی روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ خاتون جاؤ، تمہارے بیٹے کی محبت کے سامنے سیٹھ ہارون کی حیثیت نے سر جھکا دیا ہے۔ ڈیڈی، اب تو خوش ہونا۔ ڈیڈی، تم اتنے برے کیوں بن گئے عامر؟ تم نے ہمارے ماتھے پر کالک لگا دی ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ عامر، ہمارا خون اتنا گھٹیا نہیں، گھٹیا نہیں، گھٹیا نہیں۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں ممی کہ آپ کے بیٹے نے اپنا دل جلا کر کسی کی زندگی کو روشنی کیوں دی ہے؟ اور یہ اٹھا، زوبی کے ڈیڈی مان کیسے گئے؟ پردہ داری کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو اس فرشتہ سیرت انسان کا نام ضرور بتا دیتی۔ آپ سے کہا نا، مدت ہوئی ہم نے مجرا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سوچ لیجیے، شہر کے امیر ترین آدمی مرزا ہارون کی بیٹی کی شادی کا فنکشن ہے، بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں آ رہی ہیں۔ جو ہستی ہمارے ہاں ہی بیٹھی ہے، اس ہستی کے سامنے ہمیں ہر ہستی پستی میں نظر آتی ہے۔ جائیے، لوگوں کی خوشی کے لیے بہت رقص کیا ہم نے، اب کچھ اپنی خوشی کے لیے بھی جھوم لینے دیجیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں شمع،
लेकिन औरों के लिए जीने में जो मजा है शायद उससे नाश न हो तुम। आप कहना क्या चाहते हैं साहेब? तुम अगर मिर्जा हारून की बेटी की खुशियों में शरीक हो जाओ तो हमें बेहद खुशी होगी। हम चाहते हैं कि उसकी खुशियों में कोई कमी ना रह जाए। शमा, आप उनकी बेटी को जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं। कितने करीब से? जितने करीब से तुम हमें जानती हो। हम समझे नहीं साहेब। तुम्हें समझाने जाएंगे तो किसी के माथे पर बदनामी का दाग लग जाएगा शमा। बस इतना समझ लो, शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। आप तो हमें सब कुछ ही समझा गए साहेब, मगर याद रखिए, खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाब वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। बताओ सेठ, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुमसे कोई काम है? बगैर काम के जमानत का एहसान? मैं तुम्हें इस एहसान के अलावा भी बहुत कुछ दूंगा। जाहिर है, राजा बगैर माल के तो काम करता नहीं। काम बताओ सेठ। कत्ल करना है। वजह? सिर्फ इसलिए कि वो एक गरीब आदमी है और उसने तुम्हारी बहन या बेटी को फांस लिया होगा। हाँ, ऐसे बहुत से केस किए हैं राजा ने। दाम 1,00,000 होंगे सेठ। मंजूर है। बदनसीब की लाश कब चाहिए? कल वो सेहरे बांधकर मेरे घर आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर की दहलीज तक पहुंचे। रास्ते में ही खत्म कर दो। इस बात की समझ नहीं आई सेठ। उसे घर भी बुला रहे हो और घर बेटी और जमाने का मुंह बंद करने के लिए बुलाया है और मरवाना अपनी जिद और अना के लिए है। सुख से जाकर सो जाओ सेठ। कल तुम उसकी बारात का नहीं उसकी मौत की खबर का इस्तकबाल करोगे। सेरा बंदी की रस्म अदा होनी चाहिए ताकि हम लोग वक्त पर पहुंच सकें। सेरा बांधने वाला सेरा खुद ही लेकर आ रहा है। सिर्फ इसे चाहते हैं।
बच्चे को बचा लो, अरे मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, जाओ। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लो। क्या हुआ माँ? सेठ साहब, मेरे सलमान को बचा लीजिए, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मेरे सलमान को बचा लीजिए। इसे आराम से बिठाओ, हम खाना खाकर इसका गला काटेंगे। ये भी तो हो सकता है तुम्हें बाकी खाना नसीब ही ना हो। लड़के, नसीब मेरे ताबे। इधर देख, कल तक इस हाथ में तेरे कत्ल की लकीर नहीं थी, आज मैंने खींच दी है अपने खंजर की नोक से। मैं नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूं। क्या जानते हो? जिंदगी और मौत के नसीब आसमानों पर लिखे जाते हैं, जमीन पर नहीं। लड़के, आओ आओ सेठ, बहुत ठीक वक्त पर आए। बहुत खूब सेठ साहब, तो ये सारा ड्रामा आपका अरेंज किया हुआ है? नहीं दोस्त, मैं तो ये ड्रामा खत्म करने आया हूं। तुम मेरी जीप लेकर निकल जाओ, जीप में सेहरा भी मौजूद है और वो खूबसूरत लिबास भी जिसे तुम पहनकर दुल्हा बनोगे। चले जाओ। बहुत खूब, आपस में ही फैसले हो रहे हैं। अरे कुछ राजा से भी पूछो यार। तुमसे तो बहुत कुछ पूछना है राजा, तो सलमान को जाने दो यहां से। नहीं, तुम दोनों में से कोई एक कदम भी हिला तो दूसरा सांस नहीं लेगा। छोड़ दो इसे। सलमान, तुम निकल जाओ। सलमान, लेकिन आप मेरी फिक्र ना करो, मैं अब वो दीवार बनूंगा जिसे ये लोग तोड़कर ही तुम्हारी खुशियों तक पहुंच सकेंगे। लेकिन तुम निकल जाओ सलमान, निकल जाओ यहां से। तुमने गरीब मां और उसके बेटे की खुशियां लूटने की कोशिश की है राजा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मर गया। देर हो चुकी है सेठ साहब, अब निकाह शुरू करवा ही दें। मैं चाहता था कि दरअसल लोग परेशान हो रहे हैं, अब इजाजत दे ही दें। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी।
वादे होते हैं, वादे होते हैं, वादे होते हैं होते हैं वफा।
दोनों ने अपनी मंजिल पा ली। मुबारक हो। ये खून? ये खून आएगा नहीं गया। चलता हूं। ये क्या हो गया साहेब? कुछ नहीं। आमिर, आमिर, क्या हो गया साहिब? जमाना सलमान की जिंदगी छीन कर हमारी टीटी भी प्यार की बाजी को हराना चाहता था। हमने अपने साथ प्यार के दुश्मन भी मिटा दिए। हमें भी तो सुबी अपने प्यार का दुश्मन ही समझती है। जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन सूबे की मोहब्बत को जिंदा रहना चाहिए। आप हमारी मोहब्बत हैं साहेब, आपको जीना होगा। नहीं शमा, परवाने की जिंदगी जितनी होती है